वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। ऐलानिया, इस ऐलान से आशय क्या है? यही कि जिसमें रोकने की हिम्मत हो वह रोक ले, शासन, प्रशासन अथवा सरकार, कोई भी। कुछ ऐसा ही हुआ है मेरठ के लालकुर्ती क्षेत्र स्थित अवैध रूप से निर्मित रिजॉर्ट 22B को लेकर। अनधिकृत निर्माण व गतिविधियां पाते हुए छावनी परिषद बोर्ड ने 14 अक्टूबर को इसे सील कर दिया। 22B के संचालक बसपा नेता पंकज जौली ने पुलिस, प्रशासन व छावनी बोर्ड के नुमाइंदों के सामने ऐलान किया है कि वह इस सील को 1 घंटे में ही तोड़ देगा। हुआ भी ऐसा ही, सील तोड़ दी गई। छावनी परिषद ने रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए लेकिन उसकी तहरीर लेकर साइड में रख दिया गया। इस मामले में आखिर किसकी फजीहत हुई, छावनी परिषद की, प्रशासन की या फिर सरकार की? यह बड़ा सवाल है। माना जा रहा है कि छावनी परिषद के नुमाइंदों की कमजोर इच्छा शक्ति के चलते यह ऐलानिया कत्ल किया गया छावनी परिषद के संविधान का, जिला प्रशासन की व्यवस्था का, योगी सरकार की उस नीति का जिसमें कानून तोड़ने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बसपा नेता पंकज जौली के आगे सब नतमस्तक क्यों हैं? यह सवाल लगातार चीख रहा है। लालकुर्ती टेलीफोन एक्सचेंज के निकट स्थित है 22B। अब से पहले कई बार छावनी परिषद ने इसे सील किया लेकिन भ्रष्टाचार का बोलबाला होता रहा। बीते 14 अक्टूबर को एक बार फिर से छावनी परिषद ने पुलिस व प्रशासनिक नुमाइंदों को लेकर इसे एक बार फिर से सील कर दिया। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वहां मौजूद ACM रही। देखिए उस वक्त ACM ने क्या कहा था। विगत दिनों कैंट बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा हमारे उच्चाधिकारियों को एक पत्र लिखा गया कि संबंधित ये जो प्रश्नगत भूमि है 22B, यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में सीजर कार्रवाई कराई जानी है, जिसके लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की मांग की गई थी। उसके क्रम में हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया कि इनके साथ पर्याप्त फोर्स के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए, और उसी क्रम में आज यहाँ पे फोर्स और मैं मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ पे उपस्थित हूँ और कैंट बोर्ड के द्वारा ये कार्रवाई। अब सुनिए CEO ज्योति कुमार को। देखिए, बंगलो नंबर 22B को पहली बार ट्रेड लाइसेंस के अभाव में काम करने के लिए जो सन 2015 में सील किया गया था सेक्शन 278 कैंट एक्ट के तहत, उसके बाद जो बंगलो नंबर 22B के जो रेजिडेंट्स हैं वो चले गए थे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इस पे स्टेटस को बरकरार रखने के लिए ऑर्डर किया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन्होंने वो सील जो हमने लगाई थी उसको अनऑथराइजेडली तोड़ दिया था और उस पे बजाबता काम कर रहे थे, जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, होटल चला रहे थे और रेस्टोरेंट था उनका। वहीं बसपा नेता पंकज जौली ने तब यह कहा था। सील तब भी गलत थी, सील आज भी गलत है। कोई कोर्ट का स्टे खारिज नहीं हुआ, हाई कोर्ट का स्टे आज बरकरार है। मैं कल ADM सिटी साहब को लेटेस्ट कॉपी दिखाया था हाई कोर्ट के स्टे की। फिलहाल माना मतलब मनमाना रवैया है, जो मर्जी करें, लेकिन गलत किया। तो अब आप कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं अपने वकील साहब से राय लूँगा क्या करना उसमें क्या नहीं करना, उसका फिर कानून भरा देखकर इसमें राय लेकर उसमें कुछ काम करेंगे। अब देखिए तो गुरुदेव बताएंगे। पंकज जी, कुछ चर्चा ऐसी है कि कैंट में बोर्ड वाले कुछ आपसे पैसे की डिमांड कर रहे थे जिसको लेकर आप नहीं देने पर ये कार्रवाई की गई है, क्या कहना है? अब देखिए, ये विषय समय करने के नहीं है और सबको बेहतर पता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। मेरे मुँह से निकली बात आम हो जाएगी। आज इस बारे में छावनी परिषद के प्रवक्ता जयपाल सिंह तोमर ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। हेलो हेलो, हाँ जी, फर्स्ट बाइट न्यूज चैनल से रवि शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो। हाँ, छावनी बोर्ड से बोल रहे हैं ना? हाँ जी। ये जो 22B वाला मामला चल रहा है, इसमें भी क्या चल रहा है? आपको कितनी जानकारी उसके? तो मेरे पास उनके हमने वो लगाए थे, सील लगाए थे अभी जी, तो उन्होंने वो खोल दी अपने आप खुद ही। हाँ, वो सील तोड़ दी थी उन्होंने। हाँ, तो हम अपने लीगल एडवाइजर को अपने लिए भेजा है, उनको सलाह मांगिए। अच्छा, जो अभी सलाह आएगी या फिर डायरेक्शन होगी वैसा कर लेंगे। अभी सलाह नहीं आई है ना? अच्छा, जो आपने FIR दर्ज कराई थी उसका क्या हुआ? FIR हो गई थी या अभी? FIR उन्होंने ली नहीं, अपने 22 फीट को भेजी।
तहरीर उन्होंने आपकी नहीं ली थी? हाँ नहीं ली है। लालकुर्ती थाने ने? लालकुर्ती थाने ने? अच्छा ठीक है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर बनी रहेगी हमारी बराबर नजर। आप देखते रहिए firstbite.tv। और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना भी न भूलें। नमस्कार। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।